प्रेज द लॉर्ड पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं। सुंदर से समय के लिए, इस सुंदर से शाम के लिए हम इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। रात्रि के समय हम प्रार्थना करते हैं कि पिता आपने हमें फिर एकत्रित किया इस शाम के समय, और पिता आप हमें बरकत और आशीष देंगे। आप मेरे घर को संभालेंगे, आप मेरे परिवार को आपने संभाल कर रखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ पिता कि आपने हमें हर पल हर समय हर घड़ी आपने संभाल के रखा। मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आज आप विश्वास रखते हैं और रखना चाहते हैं, तो आपको इस प्रार्थना को अंत तक करना होगा। इसीलिए हम आप लोगों से निवेदन करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग प्रार्थना को करें, अन्यथा यदि आपका मन ना करे तो हम आपसे पहले ही कह देते हैं कि आप प्रार्थना को ना ग्रहण करें। क्योंकि यदि आज हम विश्वास के द्वारा प्रार्थना को ग्रहण करते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में अभिषेक करता है। पवित्र आत्मा के द्वारा हर एक प्रकार की घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करेगा। जो आप चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, नौकरी के लिए, घर के लिए, परिवार के लिए, कर्जे से आप दबे हुए हैं, अनेक प्रकार के श्राप कर्जे बंद से आपको परमेश्वर मुक्त करेगा। इस बात को यकीन रखना, आप कर्ज से दबे हुए हैं, प्रभु आपको दुख से, हर प्रकार की मुसीबत से, हर प्रकार की प्रॉब्लम से, हर प्रकार की चिंताओं से आपको बचा करके रखने वाला खुदा है। इसीलिए बड़े हिवाव के साथ, बड़ी हिम्मत के साथ, बड़े यकीन के साथ आपको इस प्रार्थना को ग्रहण करना चाहिए। सर्वप्रथम आपको वचन को देखना चाहिए, उसके बाद आपको प्रार्थना करना चाहिए। हम पहले वचन को इसलिए देखते हैं ताकि हमारा विश्वास धीरे धीरे मजबूत हो, हमारा मन लगने लगे प्रार्थना करने में। तो इसीलिए आपको बड़ी हिम्मत के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ आपको इस प्रार्थना को ग्रहण करना है। यदि आज हम बहुत विश्वास रखते हैं तो हमारे जीवन में बहुत सारी गवाहियां भी आएंगी, इस बात को यकीन रखना, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान आपके जीवन में हर प्रकार की प्रॉब्लम को ठीक करेगा। आप बहुत इस समय परेशान हैं, चिंतित हैं, चाहे वो पुलिस कोर्ट कचहरी हो, किसी प्रकार की प्रॉब्लम है, सबसे सबको प्रभु यीशु मसीह आज़ाद करने चाह रहा है। वो आपके जीवन में एक नया मार्ग देगा, एक नया, जो आप चिंता करते हैं, दुख है, मुसीबत है आपके जीवन में, प्रॉब्लम है, वो आपको हर प्रकार की चिंताओं से मुक्त करेगा। यदि आज हमारा परमेश्वर आज हम पर आज रहम करेगा, वो आज हम पर विश्वास करता है कि मेरे बेटे और बेटियां हैं आज ये मुझसे प्रार्थना करेंगे, विनती करेंगे, तो मैं इसके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करूंगा। यदि आज हम विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं, तब इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, और मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि शाम के वक्त और रात्रि के समय जो इस समय चिंतित हैं, दुखित हैं, परेशान हैं, घर में हैं, किसी प्रकार के डिप्रेशन में हैं, किसी प्रकार की मुसीबत में हैं, इस समय पड़े हुए हैं, उनकी फिजिकली और मेंटली प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, उलझन रहती है, घबराहट रहती है अपने बच्चों की लाइफ को लेकर के, जीवन को लेकर के। इसीलिए आपसे हम कहते हैं कि अगर यदि आपको उलझन है, आपको घबराहट, आपको ऐसा महसूस होता है कि नहीं, मेरे को समझ में नहीं आता, मैं क्या करूँ, मेरे को समझ में नहीं आता, तो आप कमेंट के माध्यम से बताइए, प्रॉब्लम लिखिए, उसके बाद नाम लिखिए, हम आपके लिए जरूर प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर आपके जीवन में और बरकत और आशीष देगा। इसीलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि और लोग जुड़ सके, और लोग प्रभु में, नए लोग आ सकें। यदि हम किसी को, नए एक व्यक्ति को भी ला सकते हैं अगर परमेश्वर में, तो परमेश्वर की महिमा होगी, स्तुति होगी, और उसके लिए परमेश्वर हमें अभिषेक करेगा। इसीलिए यदि आज हम किसी व्यक्ति को, नए व्यक्ति को अगर हम जोड़ते हैं, प्रभु के वचन को सिखाते हैं, बताते हैं, समझाते हैं, और उसके जीवन में थोड़ा सा भी परिवर्तन आ जाए, कोई व्यक्ति हो सकता है डिप्रेशन में हो, चिंता में हो, दुख में हो, मुसीबत में हो, यदि आपके एक शेयर कर देने से या आपके बता देने से, तो आप उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई और परमेश्वर ने उसको अभिषेक किया, पवित्र आत्मा के द्वारा उसके जीवन में काम करना शुरू कर दिया, क्या वो आपको आशीष नहीं देगा? क्या आपको ये नहीं कहेगा कि नहीं, मैंने किसी भाई के माध्यम से प्रभु को पाया और परमेश्वर को पाया, और उसके जरिए मैं परमेश्वर तक पहुंचा? तो इसीलिए परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत और आशीष देगा। इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक जरूर किया करिएगा, क्योंकि आप लोग लाइक करते नहीं हैं, ना ही कमेंट करते हैं। हर एक मसीह भाई बहन कमेंट करेगा, लाइक करेगा, जितने लोग इस समय जुड़े हुए हैं परमेश्वर के वचन को, आशीष को पाना चाहते हैं और अपने घर में बरकत को देखना चाहते हैं, हर एक मसीह भाई बहन शाम के वक्त परमेश्वर आपको बरकत और आशीष देगा। इसीलिए धैर्य रखना, विश्वास रखना। परमेश्वर ने ये भी कहा है, मेरा विश्वास करो कि मैं पिता में हूँ। यदि क्या आज हम विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने हमसे कहा था कि मेरा विश्वास करो कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है, यानी वो हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही था जो मनुष्य के रूप में आया था। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि मेरा विश्वास करो कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है। तो इसका मतलब है पिता और जो पिता और पवित्र आत्मा एक ही है, इस बात को याद रखना, और पुत्र, इस बात को यकीन रखना कि एक ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। कि ये तीन जो आप देख रहे हैं, पवित्र आत्मा और पिता और परमेश्वर को आप देख रहे हैं,
तो यकीन रखना कि खुदा एक ही परमेश्वर है। उसी ने कहा था कि मेरा विश्वास करो कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है, नहीं तो मेरे कामों के कारण ही मेरा विश्वास करो। क्या आज हम उसके पर कामों को नहीं देखते हैं? क्या परमेश्वर दूसरों के कामों की जीवन, आपके जीवन में बहुत सारी गवाहियाँ होंगी, परमेश्वर ने बहुत सारे काम किए होंगे आपके जीवन में, आपकी बहुत सारी गवाहियाँ होंगी। तो इसका मतलब है यदि हम उसके नाम से नहीं जानते, उसके नाम से नहीं जानते तो उसके कामों से तो हमें पहचानना चाहिए। यदि आज हम पहचानते हैं तो परमेश्वर ने सच सच कहा था, क्या कहा था? मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, परमेश्वर ने क्या कहा? मैं तुमसे सच सच कहता हूं। परमेश्वर हमेशा यूज करते थे, कहते थे कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ जो मुझ पर विश्वास रखता है वे, परमेश्वर वचन कहता है, ये काम जो मैं करता हूँ, परमेश्वर ने क्या कहा? ये जो मैं काम करता हूँ, परमेश्वर का वचन कहता है, करता हूँ और वरन इनसे भी बड़े बड़े काम करेंगे आप सभी लोग। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूँगा कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझ पर मुझ में, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? यदि तुम मुझ से मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे पूरा करूँगा, या फिर मैं उसे दूंगा और उसे मैं हर एक घटी और कमी को पूरा करूँगा। क्या आज हम सचमुच विश्वास करते हैं, यकीन रखते हैं, उस पर विश्वास करते हैं कि वो पिता है और पिता ही हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, पिता और पुत्र एक ही है? अगर इतना हम यकीन करते हैं, बिलीव करते हैं, भरोसा रखते हैं तो हमारी जीवन की हर एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि हम परमेश्वर तक पहुँच चुके हैं और परमेश्वर हमें बरकत और आशीष देगा। और इतने समय जितने भी मसीह भाई बहन प्रार्थना को सुन रहे हैं आज, इनको परमेश्वर बरकत और आशीष देने जा रहा है। तमाम प्रकार के दर्द, तमाम प्रकार के दुख, तमाम प्रकार की मुसीबतों से आपको आजाद करने जा रहा है। आज मैं जानता हूं कि इस समय जो चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश हैं, इसीलिए आप बिलीव करते हैं, भरोसा रखते हैं, क्योंकि परमेश्वर आपको तमाम प्रकार की बीमारियों से आजाद करने के लिए आया है। सिर से लेकर के पैर तक तमाम प्रकार के दुख भरे अंगों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से, वो हर प्रकार की सब पवित्र आत्मा के द्वारा जो आपके जीवन में हर एक प्रकार की घटी और कमी उसको परिपूर्ण करेगा। इसीलिए आज आपको चिंतित नहीं होना, आज आपको दुखित नहीं होना, आज आपको परेशान नहीं होना है। आपके जीवन में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम क्यों ना हो, उसका सलूशन है। यदि आज हम दुखित हैं, चिंतित हैं तो कितने दिन रहेंगे? 1 से 2 दिन। लेकिन परमेश्वर हमारे लिए एक नया मार्ग जरूर देगा, एक उत्तम मार्ग जरूर देगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, यदि आज हम बुखार है या हमारे अंदर फीवर है या हम डिप्रेशन में या चिंताओं में हैं तो उसका परमेश्वर सलूशन आपको देगा। लेकिन हमें यकीन रखना होगा, भरोसा रखना होगा कि आज मेरी जिंदगी में जो भी आर्थिक स्थिति हमारी बहुत खराब हो चुकी, अपने बच्चों को अच्छी तरीके से पढ़ा नहीं सकते हैं, उनके लिए अच्छी तरीके से उनके लाइफ के बारे में, उनके दिनचर्या, लाइफ स्टाइल जो भी उनकी है, अपने बच्चे, अपने बच्चियों के बारे में आप सोचते हैं, आप चिंतित हैं, आप उनके माता पिता हैं, और परमेश्वर ने कहा है कि तुम मुझ पर यकीन रखते हो, भरोसा रखते हो, तो आज मैं तेरी जिंदगी में हर एक घटे और कमी को पूरा करूँगा। यानी आज हम संपूर्ण मन से यहोवा पर यकीन रखते हैं तो रात्रि के समय आज जितने भी मसीह भाई बहन, ये आवाज़ जो कानों तक पहुँच रही है, हर एक कानों तक आवाज़ पहुँच रही है, तो उनके जीवन में काम परमेश्वर करेगा, इस बात को यकीन रखना। क्योंकि आज लाखों लोग जुड़े हुए हैं, लाखों लोग परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं, उनके जीवन में परमेश्वर बरकत देता है, उनको आशीष देता है, उनके जीवन की हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करता है। और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोग जुड़ सकें, और लोग प्रभु में आ सके और परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम कर सके और परमेश्वर की महिमा हो, स्तुति हो। इसीलिए परमेश्वर के वचन को आपको ध्यान पूर्वक देखना है और सीखना है और समझना है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर। आज मैं पहली बार आप सभी लोगों से कहता हूं कि जितने लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, नोटिफिकेशन को, बेल आइकन को प्रेस नहीं किए हैं, वो जरूर कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि आप प्रभु में चलेंगे और प्रभु आपको आशीष देगा और परमेश्वर के वचन को आपको हम सिखाने और बताने की पूरी कोशिश किया करेंगे कि आप सीख सकें, आप जान सकें। क्योंकि इस चैनल के माध्यम से जितने लोग भी जुड़े हैं, सबके घर में परमेश्वर बरकत और आशीष देता है, इस बात को यकीन रखना, भरोसा रखना। यदि आज हम विश्वास के द्वारा इस चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि परमेश्वर आज आपकी ज़िंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा। आज जितने लोग जुड़े हुए हैं इस चैनल के माध्यम से, परमेश्वर उनके घर में बरकत और आशीष देगा। मैं जानता हूँ कि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हर एक बातों को जानने वाला यहोवा खुदा परमेश्वर
परमेश्वर है। इसीलिए जितने भी भाई मेरे बहनें जितने भी हैं वो आज परमेश्वर पर यकीन रखते हैं और इस प्रार्थना को विश्वास के द्वारा वो ग्रहण करते हैं। हर एक प्रकार के विचार, हर प्रकार की बीमारियाँ, हर प्रकार के शक, हर प्रकार की प्रॉब्लम, हर प्रकार की चिंताएँ, हर प्रकार की निगेटिव सोच, ओवर थिंकिंग जो होती है आपके जीवन में, आपके लाइफ में, वो हर प्रकार की समस्याएँ खत्म हो जाएंगी। यदि आज हम तमाम प्रकार की बीमारियों को लेकर के प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा। यदि आज हम संपूर्ण मन से यहोवा पर यकीन रखते हैं, भरोसा रखते हैं, तो हमारी हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करेगा और पवित्र आत्मा के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख भरे और बीमार भरे अंगों को यीशु नासरी के नाम से वो चलाने वाला आज है। यीशु नासरी के नाम से आज आपकी हर प्रकार की बीमारियां चलेंगी, हर प्रकार की चिंताएं और जो शैतानी ताकत आपकी जिंदगी में, आपके घर में, आपके परिवार में, आपके माता पिता भाई बहनों के जीवन में काम करती है, वो अंधकार की शक्ति, अंधकार का बल, वो जो काला जादू किसी प्रकार का भी हो, परमेश्वर ने क्या कहा है, वचन में परमेश्वर ने कहा है किसी प्रकार की अंधकार की शक्ति तेरे जीवन में काम नहीं करेगी। यदि हम यकीन रखते हैं, भरोसा रखते हैं, बिलीव करते हैं, यदि हम अंधकार की शक्तियों को मानते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तेरा विश्वास है कच्चा है और तेरा मन कच्चा है और तू कमज़ोर है। इसीलिए यदि हम एक संपूर्ण मन से होकर के यहोवा पर यकीन करते हैं, अपने मन को एकाग्र करते हैं, एकत्रित करते हैं और ध्यानपूर्वक से प्रार्थना को सुनते हैं और इन बातों को फॉलो करने की पूरी कोशिश करते हैं, तो परमेश्वर हमारी समय सहायता करता है, क्योंकि वो पवित्र आत्मा की सहायता से हमें अभिषेक करता है। तो आज आपको चिंतित नहीं होना, आज आपको परेशान नहीं होना है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा था कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं आज करता हूं, इससे भी तुम बड़े बड़े काम करोगे, वरन इससे भी बड़े बड़े काम करोगे। परमेश्वर ने क्या कहा, परमेश्वर ने तो मुर्दों को जिलाया, क्या इससे बड़ा कोई कार्य हो सकता है? नहीं, परमेश्वर ने कहा तुम इससे भी बड़े बड़े कार्य करोगे। इसका मतलब परमेश्वर ने हमें बहुत सामर्थ्य, बहुत ताकत दी है। इसीलिए उस पवित्र आत्मा की आपको यूज करना चाहिए कि पवित्र आत्मा हमें आज मिला है तो हमें अभिषेक करना चाहिए, दूसरों के लिए प्रार्थना करना चाहिए, दुआ करना चाहिए और दूसरों को बताना चाहिए, सिखाना चाहिए और इस चैनल के माध्यम से लोगों को जोड़ना चाहिए, तो ताकि और लोग जुड़े और लोग प्रभु में प्रार्थना करें, विनती करें। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है यदि आज तुम जो भी मेरे नाम से मांगोगे पिता से, वो हर एक प्रकार की चीज़ें आपको मिलेंगी। यदि आज आप ज्ञान को मांगते हैं, बुद्धि को मांगते हैं, समझ को मांगते हैं, ताकत को मांगते हैं, आपको चाहिए क्या? अपने आप पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अपने आप पर विश्वास होना चाहिए, यकीन होना चाहिए कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करेगा, मुझे हर प्रकार की घटी और कमी से वो पूरा करेगा, पूरा करने वाला खुदा है। इसीलिए परमेश्वर ने ये भी कहा है कि मैं तुम्हें कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा और मैं तुम्हारे साथ और मैं तुम्हारे पास हमेशा रहता हूं। तो आज हमारे पास जब परमेश्वर है वो कहता है मैं तुझे कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा, तो आज हमें किस बात का डर है? आज संसार में आपको कोई साथ नहीं देता, आपके घर में, आपके परिवार में, आपके आस पड़ोस के, आपके फ्रेंड्स, आपके दोस्त, आपके आपके हस्बैंड या कोई भी हो सकता है, आपके पति और पत्नी के बीच में किसी प्रकार की प्रॉब्लम चल रही हो, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम एक दूसरे पर डिपेंड मत होइए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है प्यार करना अलग बात है लेकिन डिपेंड होना नहीं, अपना अपना विश्वास है, प्यार करिए। परमेश्वर ने आपको प्यार करना सिखाया, अपने माता पिता भाई बहनों से, सभी अपने पड़ोसी से प्यार करना सिखाया। इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी पर डिपेंड हो जाए, नहीं, इसे हस्बैंड है और पति और पत्नी है, दोनों हैं, इसमें आपको दोनों को विश्वास करना चाहिए, बिलीव करना चाहिए, भरोसा करना चाहिए कि खुदा मेरी ज़िंदगी में काम करेगा, मुझे स्ट्रांग होना है, मुझे मजबूत होना है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, संसार में जहाँ तक ये आवाज़ पहुँच रही है और जो लोग हिंदी भाषा को समझते हैं और ये बातों को समझ पा रहे हैं, परमेश्वर उनके जीवन में बरकत और आशीष देने चाह रहा है, उनकी हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा। आज आपके मन में किसी प्रकार की दुविधा है, किसी प्रकार की चिंता है, किसी प्रकार के दुख है, किसी प्रकार की मुसीबत है, उसने कहा कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूं। और यदि हम थोड़ा सा भी विश्वास करते हैं कि राई के दाने के बराबर ये कि यकीन करते हैं, भरोसा रखते हैं, विश्वास करते हैं, तो हमें बरकत और आशीष देता है, हमें किसी भी चीज की कोई घटी और कमी नहीं होगी। यकीन रखना, विश्वास रखना, भरोसा रखना, क्योंकि परमेश्वर आपकी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करता है। इसीलिए आइए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, विनती करते हैं। आपको संपूर्ण मन से यहोवा की प्रार्थना को ग्रहण करना होगा इस सुंदर से शाम के लिए, क्योंकि परमेश्वर आज आपकी जिंदगी में बरकत और आशीष देगा। यीशु नासरी के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं कि हम आपके चरणों में आते हैं पिता।
यदि आज आप बीमार हैं तो अपने बीमार अंगों पर हाथ रखें। यदि आज आप बीमार नहीं तो इस प्रार्थना को विश्वास के साथ और बड़े हिवाओं के साथ, बड़े धैर्य के साथ, बड़े पेशेंस के साथ प्रार्थना को ग्रहण करें, क्योंकि परमेश्वर आज आपके जीवन में बरकत देने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है, आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने जा रहा है। बड़े हिवाओं के साथ, बड़े विश्वास के साथ इस प्रार्थना को ग्रहण करिए। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाले आप हैं पिता परमेश्वर, हर एक प्रकार की बीमारियों से बचाने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। इसीलिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर, प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को ऊपर रखे पिता परमेश्वर, जो इस समय अपने छाती पर हाथ रखे हुए हैं, बड़े हिवाओं के साथ अपने हाथों को उठा करके, अपने घुटने को टेक करके, अपने आंसुओं को बहा करके पिता परमेश्वर इस समय प्रार्थना कर रहे हैं। पिता उनके जीवन को छो पिता यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं परमेश्वर। आप तो सर्वशक्तिमान है पिता परमेश्वर, आप तो हमें हर प्रकार के दुष्टों से, हर प्रकार की शैतानी ताकत से, हर प्रकार की बीमारी से, हर प्रकार के कर्जे से जो दबे हुए हैं, जो मुसीबत में, जो क्लेश में है, जो संकट में, यीशु नासरी के नाम से उनको आप बचाने के लिए आए। यीशु नासरी के नाम से उनको अनंत काल का जीवन देने आए हैं, इसलिए बहुत बहुत आपको आदर महिमा सम्मान करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो करते हैं, मेरी जिंदा जीवित हो परमेश्वर। हम आपको आदर सम्मान करते हैं पिता परमेश्वर, आपने हमें छुआ यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो पिता परमेश्वर। सर्वशक्तिमान प्रेमी परमेश्वर, आप तो प्रेमी है परमेश्वर, आप तो सबसे प्रेम करते हैं, चाहे वो पापी हो, चाहे वो पाप न करता हो, लेकिन हर एक इंसान पापी, यीशु नासरी के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं पिता परमेश्वर। जिस समय लोग दुखी थे, जो चिंतित हैं, जो अपने मन में इस समय सोच रहे हैं, पिता यीशु नासरी के नाम से उनके जीवन को छो पिता परमेश्वर, उनको ब्लेस कर, उनको आशीष कर, उनके जीवन को देख पिता परमेश्वर, आज उनके जीवन में बरकत दे, उनके जीवन में आशीष को दे यीशु नासरी के नाम से। जो इस समय पिता परमेश्वर आप पर भरोसा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, बड़े हिवाओं के साथ, बड़े विश्वास के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ पिता परमेश्वर, आप तो प्रिय हैं पिता परमेश्वर, आप तो सबसे प्रेम करने वाले परमेश्वर हैं, इसीलिए आज इनके हर अपराधों को, हर एक गुनाहों को, हर एक प्रकार के अपराधों को क्षमा कर यीशु नासरी के नाम से। हर एक प्रकार की घटी और कमी को पूरा कर, परिपूर्ण कर यीशु नासरी के नाम से। ज्ञान दे, बुद्धि दे, समझ दे, इनके बच्चे को ब्लेस कर, इनको बच्चे को आशीष दे मेरे पिता परमेश्वर। हे मेरे खुदा, हे मेरे परमेश्वर, ये हुआ आज इनके जीवन को छो पिता यीशु नासरी के नाम से। ये अपना हाथ पिता परमेश्वर इनके हर एक मसीह भाई बहन के जीवन पे रखिए, क्योंकि आपने कहा है पिता परमेश्वर, मैंने तेरी तस्वीर को अपनी हथेली पर खोद करके रचा है, क्योंकि आपके बेटे और बेटियां हैं पिता परमेश्वर। ये समय जो सारे लोग प्रार्थना सुनते हैं पिता परमेश्वर, जिनके कानों तक ये आवाज पहुंचते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि वो आपके बेटे और बेटियां इस समय प्रार्थना कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं, बड़े हिवाओं के साथ, बड़े विश्वास के साथ, बड़े दिलेरी के साथ पिता परमेश्वर वो आपके सामने डट करके मुकाबला करते हैं पिता परमेश्वर, उस शैतान से पिता परमेश्वर वो प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, इनके जीवन को छो पिता यीशु नासरी के नाम से। इनके आंसू बहते हैं पिता परमेश्वर, इनके घुटने टेके हुए पिता परमेश्वर, ये आपकी तरफ हाथ हाथ फैला करके प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं पिता परमेश्वर, इनके जीवन को देख पिता यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। आज इनके जीवन को छो पिता परमेश्वर, छो पिता परमेश्वर, इस प्रार्थना को ग्रहण करिए, ग्रहण करिए, बड़े हिवाओं के साथ, बड़े विश्वास के साथ, धैर्य रखिए, धैर्य रखिए, क्योंकि परमेश्वर आज आपके जीवन को छूने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। परमेश्वर आज आपको बरकत देने जा रहा है, वह हर प्रकार की आपकी निगेटिव सोच, नकारात्मक सोच वो जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। चाहे वो आप पति हों, चाहे पत्नी हों, किसी प्रकार के गलत विचार आपके जीवन में आ रहे हैं यीशु नासरी के नाम से, हर प्रकार के नकारात्मक आपके विचार अंदर आ रहे हैं तो यीशु नासरी का, हर प्रकार के शक आपके अंदर आ रहे हैं तो यीशु नासरी के नाम से, आज वो हर प्रकार के शक को दूर करने जा रहे यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार को आज आपके जीवन में परमेश्वर विश्वास को बोने जा रहा है। आपके अंदर तमाम प्रकार की बीमारियां, तमाम प्रकार के क्लेश आज वो आपको छोड़ के जाने वाले हैं। आपके छोटे बच्चे के आज बीमार हैं, उनको फीवर है, उनको आज दिक्कत है, मुसीबत है, उनके पैरों में दर्द है, हाथों में दर्द है, आपके घुटनों में दर्द है, क्योंकि परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। पिता परमेश्वर हम आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। इतनी समय इतने मसीह भाई बहन अपने घुटने को टेक करके प्रार्थना को ग्रहण करते हैं पिता, और आपके सामने घुटने टेक करके अपने आंसुओं को बहा करके अपने दिल की बातें आपके तक रखते हैं पिता यीशु नासरी के नाम से। हर एक मसीह भाई बहन के दिल की बातों को छो पिता परमेश्वर, उसको देख, उसको ब्लेस कर, उसको आशीष कर, उसे हर प्रकार की चीज़ों में बरकत दे यीशु नासरी के नाम से। जो उनके कर्जे हैं उनके पिता परमेश्वर, जो मार्ग बंद पड़े हैं, जो उनका बिजनेस बंद पड़ा है
वो खुल नहीं पाई सुनासरी के नाम से, ब्लेस गई सुनासरी के नाम से। छो पिता परमेश्वर इनको ब्लेस कर। इस समय जो चिंतित हैं, जो परेशान हैं, अपने दिमाग में सोच रहे हैं कि मेरे घर का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, परमेश्वर आज आपको बरकत देने जा रहे हैं सुनासरी के नाम से। सभी लोग कमेंट के माध्यम से बताइए कि इनके जीवन में क्या प्रॉब्लम है, सभी के लिए दुआ करते, सभी के लिए प्रार्थना करते, सभी के लिए विनती करते कि परमेश्वर आज आपको छुड़ाने वाला है सुनासरी के नाम से। आप कमेंट के माध्यम से बताइए कि आपके बच्चे के जीवन में क्या चल रहा है, आपके बच्चे क्या करना चाहते हैं, आपके बच्चे क्या करना चाहते हैं, जो भी कुछ करना चाहते हैं सुनासरी के नाम से, आप क्या करना चाहते हैं, आपकी हालात कैसे हैं। परमेश्वर आज आपके जीवन में बरकत देने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है, आपको चंगाई देने जा रहा है, आपको हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार की बुराइयों से, हर प्रकार की चिंताओं से, हर प्रकार की प्रॉब्लम से वो आजाद करने जा रहा है सुनासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। हम आपको आदर सम्मान करते हैं सुनासरी के नाम से पिता परमेश्वर, आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। आज इनको पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक कर पिता, इनके जीवन के हर प्रकार की बीमारियों को जला दी सुनासरी के नाम से। उस पवित्र आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर, उस पवित्र आत्मा आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को जला दी सुनासरी के नाम से। किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम क्यों ना हो, किसी प्रकार का दर्द क्यों ना हो, आज वो आपके जीवन से जाने वाला है, वो आज आपके जीवन से जाने वाला है सुनासरी के नाम से। पिता आपकी महिमा करते हैं, सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंग हैं सुनासरी के नाम से, आज वो आपके चलने वाले हैं, आज आपके हर प्रकार की बीमारियां ठीक होने वाली हैं, हर प्रकार की चिंताएं आपकी जाने वाली हैं, हर प्रकार की टेंशन आपके जीवन से जाने वाली हैं, हर प्रकार की बुराइयां आपके जीवन से जाने वाली हैं, क्योंकि परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है सुनासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं मेरे जिंदा जीवित हो परमेश्वर। आज्ञा देते हैं सुनासरी के नाम से, हर प्रकार के जो बीमार अंग हैं सुनासरी के नाम से उनको जला दीजिए सुनासरी के नाम से। आज हम आज्ञा देते हैं पिता पवित्र आत्मा के द्वारा सुनासरी के नाम से, आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार के शत्रु और दुष्ट आत्मा, तमाम प्रकार के रोगाड़ विषाणु और निर्बलताएं, जो भी शैतानी ताकत आज इनके जीवन में काम करती है, यीशु नासरी के नाम से आज्ञा देते हैं। उस पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर, जिसने हमें बचाया, जिसने हमें श्वास दिया, जिसने हमें जीवन दिया, उस पवित्र आत्मा को हम धन्यवाद करते हैं, उस परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं जिसने हमें संभाल कर रखा। आज परमेश्वर आज आपको बचाने आया है, आज आप चिंतित हैं आपके बच्चे के जीवन को लेकर के, आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। सभी लोग जितने मसीह भाई बहन हैं, अपने हर एक बातों को, अपनी बातों को रखिए, क्योंकि हम आपके कमेंट को देखते हैं, पढ़ते हैं, उसके बाद प्रार्थना करते हैं ताकि हम आपके कमेंट को देख सकें, प्रार्थना कर सकें, आपके लिए विनती कर सकें, और परमेश्वर आपके जीवन ढेर सारी बरकत दे, ढेर सारी आशीषें दे, आपको ढेर सारा प्यार दे, और ढेर सारी आपकी हर प्रकार की जो समस्या आपके लाइफ से, जीवन से, वो हटने वाली सुनासरी के नाम से। पिता आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर, हर प्रकार की महामारियों से, हर प्रकार के रोग से, हर प्रकार की निर्बलताओं से, हर प्रकार के दुख से, हर प्रकार की चिंताओं से आज झुलसा दी सुनासरी के नाम से। जो तीन पर चमके पिता परमेश्वर, इनके पैरों में दर्द है, सीनों में दर्द है, पैरों से लेकर के सिर तक पिता यीशु नासरी के नाम से, किसी भी प्रकार का रोग हो, किसी प्रकार का दुख हो, किसी प्रकार की चिंता हो, किसी प्रकार की डिप्रेशन हो, किसी प्रकार की कोई भी बीमारी क्यों ना, यीशु नासरी के नाम से हम आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर के शत्रु और दुष्ट आत्मा तमाम प्रकार की बीमारियों जाए इनके जीवन से। छो पिता परमेश्वर, इनको ब्लेस कर, इनको आशीष कर, इनके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा कर पिता परमेश्वर। आज इनकी बीमारियों को झलसा दे यीशु नासरी के नाम से, तमाम प्रकार की महामारियों को चला दी सुनासरी के नाम से, हर प्रकार की बीमारियों को, सर्दी जुकाम बुखार किसी प्रकार की बीमारी हो, आज वो जाने वाली आपके जीवन से, हर प्रकार की समस्या आपके जीवन से जाने वाली सुनासरी के नाम से, चाहे वो सर्दी हो, चाहे जुकाम हो सुनासरी के नाम से, किसी भी प्रकार का फीवर हो, बुखार हो सुनासरी के नाम से, आज वो इनके जीवन से जाए सुनासरी के नाम से, चाहे छोटी बीमारी हो, बड़ी बीमारी हो, किसी प्रकार की समस्या इनके लाइफ में जीवन क्यों ना हो, आज वो आपके जीवन से जाने वाली है। आज वो हर प्रकार के कैंसर, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के जो पेट में दर्द है, सिर में दर्द है, किसी भी भाई और बहनों के दर्द है, तो वहां पे हाथ रखे बड़े हिवाओं के साथ, बड़े विश्वास के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ, आज इस प्रार्थना को ग्रहण करिए कि परमेश्वर आज आपके जीवन में बरकत देने जा रहा है, आपको ब्लेस करने जा रहा है, आपको चंगाई देने जा रहा है। आप जिस स्थान पे अपने बच्चे को ठीक करना चाहते हैं, उनके फीवर है, उसके सिर पे हाथ रखिए, रखिए इसी वक्त अभी रखिए, क्योंकि परमेश्वर आज उसको छूने जा रहा है सुनासरी के नाम से, उसको ब्लेस करने जा रहा है, उसको आशीष देने जा रहा है। जिसकी किसी के पास फीवर है, उसके शरीर पे हाथ रखिए, उसके सिर पे हाथ रखिए, उसके सीने पर हाथ रखिए, आज वो आज बेचंगा होने वाला है सुनासरी के नाम से पिता परमेश्वर।
हालेलुया हालेलुया धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते मेरे चिंता जीवित हो परमेश्वर। आज ये आप आज को पुकारते हैं सुनासरी के नाम से, आज ये मांगते हैं सुनासरी के नाम से, आज ये मांगते हैं अपने घुटने को टेक करके, अपने आंसुओं को बहा करके पिता परमेश्वर, अपनी दिल की बातों को आप तक पहुँचाते हैं पिता, अपने दिल की बातों को आप तक रखते हैं सुनासरी के नाम से, और ये कमेंट के माध्यम से बताते हैं सुनासरी के नाम से। उन सभी मसीह भाई बहन के लिए प्रार्थना करते हैं जितने लोगों के कमेंट पढ़े मैंने, जितने लोगों ने कमेंट किया, आज उनके जीवन को छू पिता परमेश्वर, उनको ब्लेस कर, उनके जीवन में बरकत दे, उनके बच्चे के जीवन में बरकत दे, उनको आशीष दे सुनासरी के नाम से पिता परमेश्वर, उनको अच्छे ज्ञान, अच्छी बुद्धि, अच्छी समझ यीशु नासरी के नाम से हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। सत्कलम 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 पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर, वो अंधकार के बल जाए यीशु नासरी के नाम से, अंधकार की शक्ति इनके जीवन से जाए यीशु नासरी के नाम से, अंधकार की ताकत इनके जीवन से जाए यीशु नासरी के नाम से, इनकी हर प्रकार की बीमारियां जाए यीशु नासरी के नाम से, हर प्रकार के श्राप कर्जे बंधन जो भी इनके घर पे हो, किसी के द्वारा किया गया यीशु नासरी के नाम से, उसको हटा दे सुनासरी के नाम से। आज वो आपके हर घर से हटने वाली सुनासरी के नाम से, आज वो आपके घर से जाने वाला है हर प्रकार की शैतानी ताकत। आपके पैसे में बरकत नहीं होती, आपके बिजनेस में बरकत नहीं होती है, तो आज के बाद हर प्रकार के बंधन आपके टूटने वाली सुनासरी के नाम से रिसीव करिए, रिसीव करिए इस प्रार्थना को, रिसीव करिए, रिसीव करिए, क्योंकि परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है, आशीष करने जा रहा है सुनासरी के नाम से पिता परमेश्वर। तमाम प्रकार की बीमारियां, चाहे वो किसी भी प्रकार की बीमारी क्यों ना हो आपके जीवन में, कैंसर से लेकर के अनेक प्रकार के पेट में दर्द, सिर में दर्द, पैरों में दर्द, पथरी, खून की कमी, सूजन, आपके खांसी आती है, पीलिया है, गांठ है, कब्ज है, किसी प्रकार की पिंपल्स हैं, पिंपल स्किन प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, आप चाहे सर आपको छूने जा रहे हैं सुनासरी के नाम से। अपने फेस पे हाथ रखें, अपने चेहरे पे हाथ रखें, अपने हाथों पे हाथ रखें, अपने सीने पर हाथ रखें और इस प्रार्थना को रिसीव करिए, केवल रिसीव करिए, धन्यवाद करिए, धन्यवाद करिए, धन्यवाद करिए यीशु का, धन्यवाद करिए प्रभु, आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो पिता परमेश्वर। आज इनके जीवन को छो पिता परमेश्वर, आज इनको जो चक्कर आता है पिता परमेश्वर, जो कमजोर हो चुके हैं फिजिकली और मेंटली, घबराहट को महसूस करते हैं, उलझन को महसूस करते हैं पिता परमेश्वर, किसी प्रकार की टीवी, किसी प्रकार की लकवक बीमारी, किसी प्रकार का दर्द, सिर में दर्द, पैरों में दर्द, हाथों में दर्द, घुटनों में दर्द, किसी प्रकार का दर्द यीशु नासरी के नाम से, आज इनके जीवन से हर प्रकार की रसोलियां जाए यीशु नासरी के नाम से, हर प्रकार के इनके दरवाजे जो बंद पड़े वो खुलने जा रहे यीशु नासरी के नाम से। आज परमेश्वर आपको करने जा रहा है, आपको हर प्रकार की घटी और कमी से, जो कोर्ट कचहरी के समय घूम रहे हैं, किसी प्रकार की इनको बीमारी है, किसी प्रकार की चिंता है, किसी प्रकार के दुख है, इनकी फिजिकली मेंटली पिता परमेश्वर मजबूत कर, आज आपको शारीरिक से परमेश्वर आज को मजबूत करने जा रहा है, आपको स्ट्रांग करने जा रहा है, जो आप बहुत परेशान हैं, आपका वेट बहुत ज्यादा हो चुका है, परमेश्वर आपको बरकत देने जा रही है सुनासरी के नाम से, आज आपको छूने जा रही है सुनासरी के नाम से परमेश्वर, आज आपको छूने जा रही है सुनासरी के नाम से, आज परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, आपको आशीष करेगा, आपकी जीवन की हर प्रकार की जो ब्लड प्रेशर हाई लो की बीमारी है इस सुनासरी के नाम से, आज वो घबराहट को जो महसूस करते हैं, उलझन को महसूस करते हैं, अपने घुटने को आपने टेक करके रखा है और परमेश्वर के सामने अपने हाथों को फैला करके, अपने सीने पर हाथ रख करके परमेश्वर से दुआ करिए, प्रार्थना करिए, कहिए पिता परमेश्वर की मुझे आज छू, मुझे हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार के रोगाड़ों से, हर प्रकार की निर्बलताओं से, हर प्रकार की चिंताओं से मुझे बचाए सुनासरी के नाम से, हर प्रकार के रोगी से मुझे पिता परमेश्वर बचाए सुनासरी के नाम से। इस समय हम चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, घर के लिए प्रार्थना करते हैं, नौकरी के लिए प्रार्थना करते हैं, परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, कर्जे से जो दबे हुए इस समय दुख में मुसीबत में है, ये सब ये दबे हुए सुनासरी के नाम से, आज इनके घर के श्राप बंधन कर्जे सब टूटने पाए सुनासरी के नाम से पिता परमेश्वर। आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं पिता, आपको आदर सम्मान करते हैं सुनासरी के नाम से पिता, हम आपकी महिमा करते हैं। हालेलुया हालेलुया धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो। हर प्रकार की मुश्किल से इनसे बचा पिता परमेश्वर, ये शादी करना चाहते पिता, इनके जीवन को छो पिता परमेश्वर, इनको ब्लेस कर, इनको आशीष दे पिता परमेश्वर। अपने बच्चे की शादी करना चाहते हैं, आपके घर में बरकत नहीं होती है, आपके घर में पैसे नहीं रुकते, आज के बाद वो रुकेंगे सुनासरी के नाम से। प्रार्थना को रिसीव करिए, रिसीव करिए, रिसीव करिए, प्रार्थना करते हैं यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाड़ विषाणु और परमेश्वर के वचन को लेकर के, सामर्थ्य वचन को लेकर के हम धन्यवाद करते हैं पिता, आपकी महिमा करते हैं कि पिता आपका वचन जीवित है, आप जीवित हैं पिता परमेश्वर, आज हमारे साथ आप उपलब्ध हैं पिता, इस समय आज हमारे पास हैं यीशु नासरी के नाम से। आपने स्वर्गदूतों को अपने आज्ञा दी यीशु नासरी के नाम से, कहीं भी किसी स्थान में कोई व्यक्ति बैठा हो, किसी भी कंडीशन में, किसी भी हालात में क्यों ना, यीशु नासरी के नाम से अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा दीजिए, छुए पिता परमेश्वर, उसको ब्लेस करिए,
उसको आशीष करें, उसकी जीवन की हर प्रकार की समस्या को देखें। यीशु नासरी के नाम से पिता आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। पिता हम आपको आदर सम्मान करते हैं। हर प्रकार के कोर्ट कचहरी से समय घूम रहे हैं पिता परमेश्वर, जिनके पास केस है यीशु नासरी के नाम से, आज वो हर प्रकार के केस रद्द होने वाले हैं। हर प्रकार के जो डिवोर्स रद्द होने वाले यीशु नासरी के नाम से, हर प्रकार के जुर्माना आपके बदलने वाले यीशु नासरी के नाम से, क्योंकि परमेश्वर आज आपसे प्रेम करने के लिए आए। परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करना चाहता है। परमेश्वर आपको जीवन में ढेर सारी बरकत देने जा रहा है, ढेर सारा आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। पिता परमेश्वर हम आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया 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 हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु। आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज धैर्य रखना, विश्वास रखना। परमेश्वर आज आपको ढेर सारी बरकत, हर प्रकार की समस्या, हर प्रकार की दिक्कत, हर प्रकार की मुसीबत आपके जीवन से जाने वाली है। आपने इस प्रार्थना को रिसीव किया, ग्रहण किया, परमेश्वर आपको जरूर फल देगा, जरूर परमेश्वर आज आपको फल देगा, आपको जरूर ब्लेस करेगा, क्योंकि परमेश्वर आज आपकी प्रार्थना को सुना है यीशु नासरी के नाम से। इसीलिए आप जाते जाते इस वीडियो को इतना शेयर करिए, इतना लाइक करिए कि परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत दे, ढेर सारा आशीष दे, और दूसरों तक पहुंचाइए। जितना हो सके इसे शेयर कर दीजिए, जितना हो सके सभी लोग लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को, ताकि हम प्रभु से लिए प्रार्थना कर सके, आपके लिए विनती कर सके, और लोग देखें और लोग प्रभु में जुड़ें और लोग प्रार्थना करें और परमेश्वर से ढेर सारी आशीषें पाएं, और परमेश्वर आपको बरकत दे आपके घर में और आपको आशीषित रखे। यदि आज आप डोनेशन भेजना चाहते हैं तो दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप दान भेज सकते हैं। आप अपनी इच्छा अनुसार भेज सकते हैं, आपकी इच्छा है तो भेज सकते हैं, अच्छा इच्छा आपकी नहीं है तो आप नहीं भेज सकते हैं। आप दूसरों की मदद कर सकते हैं। बहुत मसीह भाई बहन ऐसे होते हैं जिनके पास होता है दान करने के लिए, वो भेज नहीं पाते हैं, तो आप दूसरे की मदद कर दीजिए। दूसरों की जो गरीब लोग हैं, जिनको जरूरत है जिस चीज़ की, उस चीज़ में आप उनकी मदद कर दीजिए। अगर आप दान और डोनेशन भेजना चाहते हैं तो परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत दे, ढेर सारा ब्लेसिंग करे, ढेर सारा आपको प्यार दे, आपके पैसे में बरकत हो, आपके घर में आशीष हो, आपके बच्चों के जीवन में परमेश्वर आपको संभाल के रखे और आपको जीवित रखे। मैं खुदा से यही प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ, जितने लोग इस समय जुड़े हुए हैं, जितने लोग डोनेशन भेजते हैं, जितने लोग मदद करते हैं, जितने लोग दान करते हैं, परमेश्वर उनको ढेर सारी बरकत दे, ढेर सारा प्यार दे, ढेर सारा आशीष दे यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।